हेलो फार्मर, तो चलिए आज हम आपको अपने गांव में बन रहे बकरी फार्म के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा ही बकरी फार्म में बन रहा है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हमारा 1K कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको अपना बकरी फार्म और इसके बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ देते हैं। पहले आपको जानकारियाँ देते हैं, ये हमारा बकरी फार्म 160 बकरियों का बन रहा है, जैसा कि आप अभी हम आपको पूरा डिटेल से दिखाएंगे कि किस प्रकार से बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे पीछे कुछ कुछ जालियाँ भी लग चुकी हैं और ये हमारा ग्राउंड भी है। तो यदि नए नए युवाओं का सवाल होगा कि बकरी पालन ही क्यों, या हमारा भी सवाल रहता है कि बकरी पालन ही क्यों, तो बकरी पालन एक ऐसा जरिया है जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी मनी या आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो हमारा कम इन्वेस्टमेंट में एक फार्म बना हुआ था जो कि उसमें बकरी पालन हो रहा था, और उसके बाद हम बढ़ाकर इस फार्म को बना रहे हैं। तो चलिए हम इस फार्म के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए गाइस, देख पा रहे होंगे ये जो हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे रख कर वीडियो बना रहे थे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दरवाज़ा लग चुके हैं। फ़िलहाल इसमें जालियाँ भी पूरी तरह से घेरे जा चुके हैं, जो कि बाहरी जानवर अंदर ना आए और अंदर में जो बकरी पालन हो बकरियाँ बाहर ना जाएँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो जालियाँ पूरी तरह से लग चुकी हैं, पाइपों में भी किस प्रकार से बांधा गया है कि 6-7 जगह इन्हें बांधा गया है अच्छी तरह से, पूरी टाइट से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे। चलिए हम आपको अंदर लेकर दिखाते हैं और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे कितने चौड़े बने हुए हैं और किस प्रकार से सीटें भी लदी हुई हैं। सभी जिंदल की सीटें लदी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे आप जिंदल के जो दरवाजे एक बने हुए हैं, एक दो बने हुए हैं, तो वह आप नाम से भी पढ़ पा रहे होंगे। फिलहाल इस एरिया में जिंदल के ही सीटें चलते हैं। चलिए हम आपको अंदर लेकर दिखाते हैं। फिलहाल हम देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अंदर दिख रहा है। फिलहाल इसमें पर्दे गिरे हुए हैं, जिसके कारण रोशनियां कम आ रही हैं, तो हम पर्दे कभी कभार उठा देते हैं, और लगातार इसमें जब बकरियाँ पालन होते रहेंगे तो हम उठा देते रहेंगे। फिलहाल ये रात के रहने का है, बाहर में इसी प्रकार के बनाए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी यहाँ गड्ढे किए गए हैं और उसमें पाइपें भी गाड़े लगाए गए हैं। फिलहाल इसमें जाम नहीं किया गया हुआ है, गड्ढे को भी आप देख पाएंगे गड्ढे कितने किए गए हुए हैं। फिलहाल 2 फीट के आसपास गड्ढे किए गए हैं हुए हैं, और हमें बाहर में 3 फीट के आसपास करना होगा, क्योंकि बाहर में मिट्टियाँ थोड़ी पानी उनी के कारण इधर उधर होते रहेंगे, तो जिसके कारण पाइपें हिलने लगेंगे, तो हमें 3 फीट करना होगा और अंदर में 2 फीट ही काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद भी यदि हमें मन करता है तो हम यहाँ पे ढलाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये एक खिंदरी बन रहा है, जैसा कि ये पाइप और ये पाइप एक खिंदरी बनेंगे, ये खिड़की, और ये जो आपको एक एक्स्ट्रा पाइप दिख रहा होगा वो जो वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, जो गेट है, वो गेट को यहाँ पर होल्डिंग किया जाएगा, जो कि यहाँ पर घुसने का इनका द्वार बनाया जाएगा। और ये एक साइड यहाँ पर भी पाइप काटे जाएंगे, और ये पूरा गली रहेगा, जैसा कि आपको हम कई वीडियो में बता चुके हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी फ़िलहाल 5 खिंदरियाँ बन रही हैं, अभी इन्हें ढलाई करना केवल बाकी है, और ढलाई करके इन जालियों को 4-4 फीट, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, 4 फीट की यहाँ पे जालियाँ पड़ी हुई हैं, जिन जालियों की कीमत लगभग 2000 के आसपास प्रत्येक बंडल में आपके एरिया के अनुसार। और ये 4 फीट के ये जालियाँ, और ये 5 फीट की जालियाँ, और ये पाइपें आपको दिख रही होंगी किस प्रकार से इन पाइपों को यहाँ पे लगाया जा रहा है। और पेंट करने का तरीका भी आपको हमने पिछला कई वीडियो में बता रखा है कि यदि आप इस प्रकार से लेटा करके एक ही बार ब्रश मारते हैं, तो एक ही बार में 6-7 पाइपें पेंट हो जाएंगी। केवल इन्हें 3 बार पलटाना होगा, घुमाना होगा, ताकि सभी तरफ पेंट हो जाए। आप ऊपर में भी ट्रस्ट देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लादे गए हुए हैं। फिलहाल इनकी कॉस्ट 7-8 लाख हो चुकी है, पूरा फार्म का कॉस्ट। हमारा पुराना फार्म जो कि कम का है, और उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, जिसके बाद हमें इस फार्म को खोला गया है। खिड़कियाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें फिलहाल 16 खिंदरियाँ बन रही हैं, जिसमें यदि आप इस खिंदरी के अनुसार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यदि 10 रखे जाएं, तो 10-10 के अनुसार टोटल 160 बकरियाँ रह सकती हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ज़मीनों को भी पूरी तरह से समतल कर जा चुका है। हम एक्सपेरिमेंट के बाद ही इसमें ढलाई करेंगे क्योंकि देख पा रहे हैं इसमें मिट्टी रहने के कारण उनके खुरों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, तो मिट्टी रहना भी बेहतर रहता है। तो हम फिलहाल मिट्टी ही रहने देंगे, बाद में यदि हमें तकलीफ़ हो जैसे कि इसमें गड्ढे आने लगे और बाढ़ने झाड़ू लगाने में यदि दिक्कत होती है तो हम फिलहाल इसके बाद इसे ढलाई कर देंगे। और मिट्टियां तो फिलहाल इसमें नहीं रहेंगे, पर बाहर में ज़रूर मिट्टियां रहेंगी क्योंकि बाहर में तो मिट्टी ही मिट्टी रहेंगे और अधिकतर टाइम तो उनमें ही व्यतीत करना है बकरियों को, क्योंकि सुबह से शाम तक और रात के 8 बजे तक गर्मियों में तो बाहर में ही रहेंगे और रात में ही सिर्फ इन्हें अंदर किया जाएगा या बाहर बरसातों के मौसम में भी अंदर किया जाएगा। बाहर आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से आप इधर देख पा रहे हैं उसी प्रकार से आपको इस दरवाजे के उधर टोटल मतलब ये जो बकरियां इस खिंदरी के हैं वो उधर निकल जाएंगे और इस खिंदरी के हैं सो इधर निकल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप पुराना वीडियो देख लें या हमें कमेंट करके पूछें या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया वीडियो आएगा तो उसमें शायद हो सकता है कुछ छूटा हुआ जो हम नहीं बता पा रहे हैं उसको हम बता देंगे, या आप कई और वीडियो के माध्यम से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे सभी के लिए गेटें बन चुकी हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अंदाज में। धन्यवाद।